नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों आज की सबसे बड़ी विवाद से। लोकल ट्रेन में लेकर एक बार फिर से विवाद और तेज हो चुका। अभी तक विवाद था कि लोकल में मंथली पास मिल रहा है और पर डे का टिकट, यानी आपको प्रतिदिन टिकट नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब विवाद और आगे बढ़ चुका है, जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने सिंगल डोज लगवा रखी है, जो इस समय कोविड से जुड़े काम करते हैं, जिसमें असेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सिंगल डोज लगवाई है और वो लोग भी लोकल में सफ़र कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का जो नियम है वो कहता है कि जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी है प्लस 14 दिन का क्वारंटाइन उनका पीरियड जो पूरा हो चुका होगा, उसके बाद उन्हें ही लोकल में अनुमति होगी। तो जनता का कहना है कि अगर आप कोविड से जुड़े लोग जो काम कर रहे हैं उन लोगों को एक डोज पर भी अनुमति दे रहे हैं, तो क्या उनसे कोरोना स्प्रेड नहीं हो सकता? सिर्फ आम जनता में जिन्होंने सिंगल डोज लगवा रखी है उन्हें अनुमति नहीं है, बाकी कोविड से जुड़े काम करने वाले लोगों को सिंगल डोज में भी आप अनुमति दे रहे हैं, यानी कि जहां डबल डोज लगवा चुके लोग हैं वहीं पे सिंगल डोज लगवा चुके कोविड से जुड़े लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पैसेंजर्स जो है एक ही डिब्बे में, एक ही लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो ये कैसी रणनीति है सरकार की कि एक बार कोविड से जुड़े लोगों को सिंगल डोज में अनुमति मिल जा रही है तो दूसरी तरफ जो बेसिक यानी आम जनता है जिन्होंने सिंगल डोज लगवा के रखे हैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनसे कोरोना फैल सकता है। इसको लेकर आम जनता में काफी ज्यादा जो है रोष दिखने को मिल रहा है और काफी जनता में अंदर जो है गुस्सा भी है सरकार को लेकर कि सरकार का ये रवैया आखिर क्यों है कि एक तरफ सिंगल डोज लगवा चुके कोविड से जुड़े लोगों को काम करने के लिए अनुमति दी गई है और लोकल का सफर करने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन जिन्होंने सिंगल डोज आम जनता में लगवाई है लेकिन जो असेंशियल सर्विस से जुड़े लोग नहीं है उन्हें अनुमति क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें भी काफी ज्यादा जिम्मेदारी है। पिछले 1.5 साल से लगातार कोरोना की मार झेल रही जनता के पास ना अब पैसे हैं ना ही वो अफोर्ड कर पा रहे हैं कि लगातार वो टैक्सी ऑटो करके पनवेल से, थाना से, कल्याण से लोग काम करने के लिए आए मुंबई की तरफ, साउथ मुंबई की तरफ, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? तो दोस्तों अब सरकार इसके बारे में जरूर सोचेगी और जल्द ही इन सभी को अनुमति